सो गाइस वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइस आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं WWE काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट्स के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे रोमन रिंग्स के बारे में, जॉन सीना ने एक्सेप्ट कर लिया द फीन का बार फाइट चैलेंज, और इस हफ्ते रॉक को कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो गाइस रिसेंटली द फीन ने ट्वीट करते हुए चैलेंज कर दिया द फीन को, और उन्होंने कहा था अगर रसोमिनिया 36 कैंसिल होता तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक डेड मैच के लिए एक बार में भी। और उसका रिप्लाई करते हुए जॉन सीना ने एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फ़ोटो भी डाला है जिसमें द फिंड भी है और उनके बगल में जॉन सीना भी है और पीछे बार भी है। तो गाइस यहाँ पे द फिंड का जो चैलेंज था डेडवेट मैच वाला वो जॉन सीना एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो गाइस बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। तो आखिर इस हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस इस हफ्ते का रॉ काफ़ी ज़्यादा हाइप था क्योंकि वहाँ पर अंडरटेकर आने वाले थे, एज आने वाले थे, स्टोन कोल्ड भी आने वाले थे। तो गाइस जो पिछले हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली थी तो काफ़ी ज़्यादा कम थी, और पिछले हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 2.163 मिलियन व्यूअर्स की। ये बात करिए इस हफ्ते रॉ की तो उन्हें व्यूअरशिप बढ़ चुकी है और उन्हें मिली है 2.335 मिलियन की। तो गाइस अंडरटेकर आने के बाद, स्टोन कोल्ड के आने के बाद व्यूअरशिप तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई है, लेकिन जैसा रॉ का एपिसोड हमने देखा था उसमें एक घंटा का तो सिर्फ रॉयल नंबर ही दिखाया था, हमें शायद एक ही मैच देखा था वो अंडरटेकर वर्सेस निम स्टोरी का था, उसके होते हुए भी WWE काफ़ी अच्छा अभी भी रेटिंग मिल रही है। सो गाइस बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस डेव मेल्टर जो कि WWE काफ़ी बड़े एक्सपर्ट है, वो रेसलिंग के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट है, उनका ऐसा कहना है कि रोमन रिंग्स को मिल रही स्पेशल ट्रीटमेंट, और उनके लिए WWE ने एक स्पेशल डॉक्टर भी रख दिया है उनकी, जो गाइस जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जैसा कि अब कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड भी हो गया और उनके चलते काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के शो कैंसिल भी हो गए, लेकिन अभी WWE अपना शो करा ही रही है। रोमन रिंग्स के लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए रख दिया है क्योंकि उनको कुछ समय पहले हुई थी लुकीमिया, अगर फिर से उन्हें लुकीमिया हो जाती, कोरोना वायरस हो जाती या फिर लुकीमिया हो जाती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा और उन्हें फिर से WWE से ब्रेक भी लेना पड़ेगा। इसके चलते WWE बिल्कुल नहीं चाहती कि रोमन रिंग्स को कुछ भी हो, इसके लिए उन्होंने एक अपने स्पेशल डॉक्टर भी रख दिया है रोमन रिंग्स के लिए, उनका ट्रीटमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है। ऐसे सारे सुपरस्टार पर भी ध्यान दिया ही जा रहा है, कितने भी लोग परफॉर्मेंस सेंटर पर आ रहे रॉय या स्मैकडाउन के लिए सबका चेकअप हो रहा है, लेकिन रोमन रिंग्स का भी WWE ज़्यादा ध्यान भी दे रही है। अब उनका मैच भी होने वाला गोल्डबर्ग के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि CEO मेन इवेंट पे हमें को मेन इवेंट पे देखने को मिलने भी वाला है। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा।